पाकिस्तान के पहले कंवारे सिपहसालार जो न सिर्फ आखिरी कमांडर इन चीफ साबित हुए बल्कि 3 माह बाद ही उनसे गन पॉइंट पर इस्तीफा ले लिया गया। ये पाकिस्तान के इकलौते आर्मी चीफ हैं जिन्हें 4-स्टार जनरल के रैंक पर तरक्की नहीं दी गई और बतौर लेफ्टिनेंट जनरल ही अफवाज पाकिस्तान की कमान संभालने का कहा गया। ये सिपहसालार गुल हसन खान के नाम से जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं तराजू और पाकिस्तान के सिपहसालार सीरीज में आज हम इन्हीं हालातों वाकयात का जायजा लेंगे। जनरल गुल हसन कमांडर इन चीफ बनने में कैसे कामयाब हुए, ये कहानी दिलचस्प भी है और हैरत अंगेज भी। सकूते ढाका के बाद GHQ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफिस में एक गैर रस्मी खुफिया इजलास हो रहा था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन के अलावा एयर चीफ मार्शल अब्दुल रहीम खान, PIA के MD शाकिरुल्ला दुरानी, उस वक्त के DG ISPR ब्रिगेडियर अब्दुल रहमान सदीकी और चंद दीगर फौजी अफसर भी मौजूद थे। इस खुफिया इजलास में ये फैसला किया जा रहा था कि यहया खान की रुख्सती के बाद इक्तदार किसके सपुर्द किया जाए। एयर मार्शल अब्दुल रहीम चाहते थे कि अनाने इक्तदार पाक फजाइया के साबिक सरबरा एयर मार्शल असगर खान को सौंप दी जाए। गुल हसन ने कहा, ऐसे शख्स को कैसे वजीर आजम बनाया जा सकता है जो इंतखाबात में एक कारपोरल यानी जूनियर फौजी अफसर से हार गया। जनरल गुल हसन का इशारा खुर्शीद हसन मीर की तरफ था जो रॉयल इंडियन फोर्स में कारपोरल थे और 1970 के इंतखाबात में रावलपिंडी के हलके से असगर खान को 40,000 वोटों के फर्क से शिकस्त देकर जीतने में कामयाब हुए। फौज के महकमा ताल्लुकात आमा के सरबरा ब्रिगेडियर AR सदीकी ने अपनी किताब ईस्ट पाकिस्तान द एंड गेम में इस खुफिया इजलास का जिक्र करते हुए लिखा है कि जनरल गुल हसन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि हमारे पास इस मस्खरे भुट्टो को मौका देने के सिवा कोई रास्ता नहीं क्योंकि वही अक्सरियती जमात का रहनुमा है। जनरल गुल हसन की भुट्टो से नफरत ढकी छुपी ना थी मगर शवाहिद बताते हैं कि गुल हसन ने जाती मफाद के लिए भुट्टो के इक्तदार की राह हमवार की क्योंकि इसी सूरत में वो कमांडर इन चीफ बन सकता था। घर के भेदी तो ये दावा भी करते हैं कि यहया खान के खिलाफ फौजी बगावत का ड्रामा रचाकर उसे इक्तदार छोड़ने पर मजबूर करना भी गुल हसन की चाल थी ताकि कमांडर इन चीफ का ओहदा पके हुए आम की तरह उसकी झोली में आ गिरे। मेजर जनरल अबुबकर उस्मान मिठा जो उस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल थे वो अपनी खुद नविश्त बम्बई से GHQ तक में ये सवाल उठाते हैं कि आर्मी रिजर्व नॉर्थ के दस्ते जिन्होंने GHQ पर धावा बोलने की धमकी दी थी उन्होंने पैगाम पहुंचाने के लिए जनरल गुल हसन का इंतखाब ही क्यों किया, उन्होंने ये मुतालबा क्यों किया कि गुल हसन खान को कमांडर इन चीफ बनाया जाए। मेजर जनरल मिठा को यकीन है कि इस फौजी बगावत के पीछे जनरल गुल हसन का हाथ था। जनरल मिठा ने लिखा है कि बगावत की खबर सुनकर जनरल गुल हसन नशे में चूर था और जब उसे यह खबर मिली कि जनरल यहया इक्तदार छोड़ने पर तैयार है तो जनरल गुल हसन इतना खुश था कि जैसे उसे कारून का खजाना मिल गया हो। जनरल गुल हसन ने फौजी बगावत की आड़ में उन जर्नेलों को भी भुट्टो के जरिए फारिग करवा दिया जिनसे उसकी नहीं बनती थी। गुल हसन का ख्याल था कि वो शतरंज की ये बाजी जीत चुके हैं मगर वो ये नहीं जानते थे कि भुट्टो को सियासी चालबाजी के मैदान में मात देना मुश्किल ही नहीं तकरीबन नामुमकिन था। जनरल गुल हसन सख्त गिर सिपहसालार तो थे ही मगर सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर मुमलिकत जुल्फकार अली भुट्टो से मुतालिक उनका रवैया नाफरमानी और हुक्म अदूली पर मबनी था। उनके कमांडर इन चीफ बनते ही पिशावर, लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के कई बड़े शहरों में पुलिस ने हड़ताल कर दी। हुकूमत ने अपनी रिट कायम करने के लिए अफवाज पाकिस्तान को मदद के लिए बुलाया तो जनरल गुल हसन ने कोरा जवाब दे दिया।
एक और मौका पर जब पंजाब और सिंध की सरहद पर चंद शरपसंद कबाइल ने गैस फील्ड का मुहासरा कर लिया और गवर्नर पंजाब ने हंगामी सूरतेहाल के पेश नज़र वहां पहुंचने के लिए फौजी हेलीकॉप्टर मांगा, तो जनरल गुल हसन ने यह मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया और यूं गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर को कई घंटे का सफ़र करके बजरिया सड़क वहाँ जाना पड़ा। डॉक्टर मुबशर हसन जो उस वक्त वजीर ख़जाना थे, उनके मुताबिक एक रोज़ ऐवान सदर में भुट्टो का टेलीफोन सेट चेक किया गया तो मालूम हुआ कि उसमें बगिंग डिवाइस लगी हुई है। चेक पलटने पर जब सरकारी रिहायशगाह के दीगर टेलीफोन सेट चेक किए गए तो इन सब में टेलीफोन कॉल्स टेप करने के लिए जासूसी आलात नसब किए गए थे। इस तरह के वाकयात से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बतदरीज खराब होते चले गए और फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जो ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुआ। मारूफ ब्यूरोक्रेट रोदाद खान ने अमेरिका के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पर मबनी किताब अमेरिकन पेपर्स में एक खौफनाक साजिश का इंकशाफ किया है। इस किताब के एक खुफिया मरासले के मुताबिक भुट्टो ने अमरीकी सफीर को बताया कि जनरल गुल हसन और एयर मार्शल अब्दुल रहीम उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टने का मंसूबा बना रहे थे। एक मुलाकात के दौरान जनरल गुल हसन और एयर मार्शल अब्दुल रहीम को कहते हुए सुना गया, हमारा ख्याल था कि फौज को अनान इकतदार दोबारा संभालने के लिए शायद 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, मगर हालात जिस नहज पर जा रहे हैं उससे महसूस होता है कि 6 माह में ही फौज इकतदार पर कब्जा कर सकती है। भुट्टो के कौमी सलामती के मुशीर रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर खान ने कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन से मुलाकात करके मामलात को सुलझाने की आखिरी कोशिश की, मगर सिपा सालारी के घुमंड में मुत्तला जनरल गुल हसन बहुत सर्द महरी से पेश आए और बात सुनने से ही इनकार कर दिया। भुट्टो ने मंझे हुए सियासी खिलाड़ी की मानिंद एक ऐसा फैसला कर लिया जो खुदकुश हमले से कम ना था। मार्च का महीना था और डबल मार्च के खदशात मौजूद थे। जनरल गुल हसन के खुद नविश्त आखिरी कमांडर इन चीफ पढ़कर महसूस होता है कि डबल मार्च के खदशात हरगिज बेजा ना थे। जनरल गुल हसन बताते हैं कि उन दिनों चंद नौजवान अफसर GHQ में उन्हें मिलने के लिए आए और मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करते हुए कहने लगे, अगर भुट्टो आपके लिए मसाइल पैदा कर रहा है तो उसका बंदोबस्त कर देते हैं। जनरल गुल हसन जो बतौर मेजर कायदे आजम के ADC रहे, अगर उन्होंने कायदे आजम से सिविल बालादस्ती का सबक सीखा होता तो मुल्क के मुंतखब सरबराह के खिलाफ ऐसी हर्जा सराई करने वाले फौजी अफसरों के कोर्ट मार्शल का हुक्म देते ताकि बंदोबस्त करने का खन्नास हमेशा के लिए फौजी अफसरों के दिमाग से निकल जाता। लेकिन उन्होंने महज ये कहने पर इक्तफा किया कि वो अपने मसाइल खुद सुलझाने की अहलियत रखते हैं। भुट्टो ने हालात की नज़ाकत का बरवक्त इदराक करते हुए बड़ी फौज के कमांडर इन चीफ और एयर चीफ मार्शल को बयक वक्त फारिग करने का फैसला कर लिया। सियासी हिकमत अमली के तहत सेक्रेटरी दिफा गयासुद्दीन ने कमांडर इन चीफ को टेलीफोन करके कहा, सदर मुमलिकत चाहते हैं कि बॉर्डर पर गैर मुल्की जारहियत के पेश नज़र फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और फौजी दस्तों की तैनाती से मुतालिक उनकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाए। ऐवान सदर की जानिब से इस ब्रीफिंग के लिए रावलपिंडी के नवाह में सहाला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का इंतखाब किया गया था। कमांडर इन चीफ जनरल गुल हसन ने पहले तो ये उजर पेश किया कि ब्रीफिंग के लिए इंतहाई हसास नोयत के खुफिया नक्शे सहाला कॉलेज नहीं लाए जा सकते और फिर लगी लिपटी रखे बगैर कह दिया कि वुजरा की सारी खेप को इस मामले पर ब्रीफिंग देना सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। यानी उस दौर में भी मुंतखब अवामी नुमाइंदों को सिक्योरिटी रिस्क समझने का चलन आम था। सेक्रेटरी दिफा गयासुद्दीन ने भुट्टो से मुशावरत के बाद जनरल गुल हसन के एतराजात दूर कर दिए और उन्हें बताया कि ब्रीफिंग अब सहाला पुलिस कॉलेज के बजाय ऐवान सदर में होगी और पूरी काबीना के बजाय सिर्फ सदर मुमलिकत को ही फौज की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह करना है। भुट्टो ने 1 मार्च को जरी इसलाहत नाफिज की थी और इस खुशी में 3 मार्च को छुट्टी का ऐलान किया गया था। जनरल गुल हसन को ब्रीफिंग के लिए उसी रोज दोपहर 1 बजे बुलाया गया था। जनरल गुल हसन नक्शे या फाइलें उठाए बगैर सिविलियन लिबास में ऐवान सदर जा पहुंचे ताकि भुट्टो को सल्यूट ना करना पड़े
उन्होंने जब वहां एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ को पहले से मुंतजर पाया तो हक्के बक्के रह गए। रही सही कसर वहां गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर, गवर्नर सिंध मुमताज़ भुट्टो, वफाकी वज़रा गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मुबशिर हसन और नेशनल सिक्योरिटी चीफ रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर खान की मौजूदगी ने पूरी कर दी। उस रोज छुट्टी होने की वजह से ईवान सदर में कोई क्लर्क दस्तियाब ना था, इसलिए एयर चीफ मार्शल अब्दुल रहीम और बड़ी फौज के सरबरा जनरल गुल हसन के इस्तीफे वफाकी वजीर मुबशिर हसन को खुद टाइप करना पड़े। भुट्टो ने आते ही फौज के अदम तआवुन की बहस छेड़ दी। जनरल गुल हसन, जो अभी भी ऊंची हवाओं में थे, उन्होंने कहा, मुझे अभी कोई कागज का टुकड़ा और पेंसिल ला दे तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। उन्हें क्या मालूम था कि कबूलियत की घड़ी आन पहुंची है। भुट्टो ने इशारा किया तो रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर खान ने ब्रीफ केस में से दो फाइलें निकाली, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने पेंसिल पेश की और दोनों चीफ साहबान से दस्तखत ले लिए गए। कार्रवाई पूरी होने पर भुट्टो ने मुस्तफ़ा खर को इशारा किया और खुद दोनों फाइलें लेकर कमरे से बाहर चले गए। जनरल गुल हसन के दिल में सिविलियन अवामी नुमाइंदों के लिए नफरत किस कदर कूट कूट कर भरी थी, इसका अंदाजा एक वाकया से होता है जो खुद गुल हसन ने अपनी सवाने हयात में बयान किया है। जब मुस्तफ़ा खर ने मुस्ताफी होने वाले दोनों चीफ साहबान को अपने साथ चलने को कहा तो जनरल गुल हसन ने कहा, मैं अपने हाथ धोना चाहता हूं जो भुट्टो से मुसाफा करने के बाद गंदे हो गए हैं, क्योंकि भुट्टो के हाथ पसीने में लिथड़े हुए थे। किसी भी किस्म की मुहिमजोई का रास्ता रोकने के लिए मुस्तफ़ा खर, मुस्तफ़ा जतोई और मुमताज़ भुट्टो जनरल गुल हसन और जनरल रहीम को अपनी तहवील में लेकर बाई रोड लाहौर की जानिब रवाना हुए। अकबी नशिस्तों पर जनरल गुल हसन को दरमियान में बिठाया गया और जब कुछ देर बाद गुल हसन को पसली में चुभन महसूस हुई तो मालूम हुआ कि पास बैठे मुस्तफ़ा जतोई ने अपना पिस्टल रखा हुआ है। रास्ते में एक जगह टैंक नजर आए तो मुस्तफ़ा खर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सबके दिल धक धक करने लगे मगर कोई गैर मामूली वाकया पेश ना आया। गवर्नर हाउस पहुंचकर जनरल गुल हसन और एयर मार्शल अब्दुल रहीम को ऐसे कमरों में ठहराया गया जहां टेलीफोन की सहूलत दस्तियाब ना थी और फिर इन दोनों को तब तक तहवील में रखा गया जब तक कमान की तब्दीली का अमल मुकम्मल ना हो गया। अगले रोज फैसला हुआ कि जनरल गुल हसन को ऑस्ट्रिया जबकि एयर मार्शल अब्दुल रहीम को स्पेन में सफीर बनाकर भेज दिया जाए। जनरल गुल हसन के इस तर्ज अमल को मुनाफ़त के अलावा और क्या कहा जा सकता है कि जिस शख्स को उन्होंने मस्खरा करार दिया उसी के हाथों कमांडर इन चीफ का ओहदा कबूल किया और फिर 3 माह बाद ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिए जाने के बाद भी वो अपनी किताब में भुट्टो को रास्पुटिन का खिताब देते हैं, मगर इस रास्पुटिन और जोकर की बहती गंगा से हाथ धोने में कोई कबाहत महसूस नहीं करते। पहले ऑस्ट्रिया की सफारत कबूल करते हैं, फिर यूनान सफीर बनकर चले जाते हैं, मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी खुशी खुशी कबूल करते हैं, मगर भुट्टो को बुरा भला कहने को भी अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। जनरल गुल हसन ने बैरून मुल्क सफारत के दौरान ही गैर मुल्की खातून से शादी करके नई जिंदगी का आगाज किया। उनसे शनासाई रखने वालों का ख्याल है कि गुल हसन खुद को वक्री किस्म की मखलूक समझते थे, अपने छछोरेपन के हवाले से मशहूर थे, हाथ की छिंगली के नाखन बढ़ाए रखते, महंगे ब्रांड के सिगरेट पीना और उस दौर में विस्की के महंगे तरीन ब्रांड कटी साग से जी बहलाना उसका महबूब मशगला था। फौज की तरफ से बॉर्डर पर 50 एकड़ अराजी अलाट की गई जो गुल हसन ने बेच दी। इसके अलावा रिटायरमेंट पर भी एक रिहायशी प्लाट अलाट किया गया। जनरल गुल हसन खुद सताइशी और खुद पसंदी के मर्ज में मुत्तला थे। बतौर प्रोफेशन सोल्जर उनकी कारकर्दगी औसत दर्जे की थी। 1965 की जंग में बतौर डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस उनकी कारकर्दगी मायूस कुन रही। मुमकिन था कि उन्हें फौज से निकाल दिया जाता, मगर यहया खान का लिसानी तअस्सुब गालिब आ गया और मामला रफा दफा हो गया। मेजर जनरल उस्मान अबू बकर मिठा का ख्याल है कि 1965 की जंग में नाकिस कारकर्दगी पर जनरल गुल हसन का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। उन्होंने अपनी किताब में जनरल गुल हसन से तलख कलामी का एक वाक्या भी बयान किया है।
जनरल गुल हसन खुद को आर्मर्ड का बानी समझते थे। जब उनका तबादला हुआ तो आर्मर्ड कोर की कमान मिठा को सौंप दी गई। अभी गुल हसन ने चार्ज नहीं छोड़ा था और अपने दफ्तर में मौजूद थे कि कर्नल स्टाफ कर्नल जियाउल हक एक पेपर लाए जिस पर लिखा था नामजद जेओसी का इंस्पेक्शन प्रोग्राम। जनरल गुल हसन ने इंस्पेक्शन का लफ्ज काट कर मुलाकात कर दिया क्योंकि उनका ख्याल था कि जनरल मिठा का ताल्लुक आर्मर्ड कोर से नहीं तो उन्हें क्या पता इंस्पेक्शन का, और साथ ही नसीहत की कि यूनिट कमांडरों से अहमकाना सवालात ना पूछते फिरना। ब्रिगेडियर मिठा मुश्तैल हो गए और कहने लगे, तुम जाओ भाड़ में, अब अगर तुमने गुस्ताखी वाला कोई एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ कर रख दूंगा। जनरल गुल हसन ने 14 अप्रैल 1977 को यूनान में सफीर की हैसियत से सुबकदोश होने का फैसला किया तो साथ ही आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक को खत लिखकर उस हकूमत के खिलाफ मार्शल लॉ लगाने का मशवरा दे दिया जिसकी वो 5 साल तक बैरून मुल्क नुमाइंदगी करते रहे। जनरल गुल हसन के जानशीन जनरल टिका खान का इंतखाब कैसे हुआ और बतौर सिपा सालार उन्होंने क्या गुल खिलाए, ये सब आप जान सकेंगे अगली किस्त में। बिलाल गौरी को इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल तराजू।